हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। और पनीर टिक्का आप लोगों ने पहले भी कभी काफ़ी बार आपने कई वीडियो देखे होंगे पनीर टिक्का की रेसिपी की। मैं आज ग्रेवी वाली आपको ऐसी रेसिपी बताऊँगी, मैं अपने तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, जैसे कि मैंने पनीर लिया है, पनीर मैंने यहाँ गोवर्धन वाला लिया है, बहुत अच्छी पनीर आती है ये, तो मैं यही वाली पनीर अक्सर लेती हूँ। तो पनीर ले लिया है और यहाँ पे मैंने जो मुझे चीज़ें लगेंगी मसाले के लिए, ग्रेवी के लिए, वो मैंने तैयार कर ली हैं। जैसे कि शिमला मिर्ची मैंने एक लिया है। आपको जितनी पनीर बनानी है आपको उस हिसाब से क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो प्याज दिए हैं और यहाँ पे टमाटर लिया है और अदरक लिया है, और अदरक को मैं थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में भी कट करेंगे। लहसुन लिया है और सिर्फ दो हरी मिर्ची यहाँ पे ली है, बस इतना ही लेना है। और यहाँ पे लेना है मैंने यहाँ पे सफल मटर ली है, और उसके बाद हम यहाँ पे दही जो है वो मैंने लिया है। दही मैंने मतलब मार्केट से मंगाया था, घर में नहीं जमाया था इसको। और यहाँ पर सारे मसाले जो मुझे लगने वाले हैं पनीर में वो मैं पहले ही तैयार करके रख लिए हैं। और यहाँ पे सारी तैयार चीज़ें मैंने कट कर ली हैं, जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा शिमला मिर्ची जो है वो मैंने इस तरीके से थोड़ा पीसेस में कर करके रखी है। उसी तरीके से मैंने प्याज को भी कट कर लिया है और लहसुन मैंने यहाँ पे छील लिया है। थोड़ी सी दो हरी मिर्च कट करके रखी यहाँ पे, जो मुझे प्याज मैंने अलग से एक्स्ट्रा कट करके रखी है, इनको मैं थोड़ा सा भूनूंगी मसाले की ग्रेवी के लिए। तो सब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। और टमाटर भी मैंने कट करके लिए रख लिए हैं, इनको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। तो चलिए गाइस, सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए गैस पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई चढ़ाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, एक चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। और बस उसी में थोड़ा सा भुनना है हमको ये जो प्याज है वो, क्योंकि हम इसका जो पेस्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा प्याज जो मुझे फ्राई करना था वो हो चुका है, हल्का ही फ्राई करना था, ज़्यादा नहीं करना था। तो वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो टमाटर है वो भी फ्राई करना है। इसी वाले जो सेम कढ़ाई है इसी में हम टमाटर भी फ्राई करेंगे। तो सारी प्याज मैंने निकाल ली हैं, प्याज बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हैं, जैसे हमें चाहिए ग्रेवी के लिए वैसी ही हुई हैं। उसके बाद सेम कढ़ाई में हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, आप थोड़े से बड़े बड़े पीसेस काट सकते हैं। तो बस इनको भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है, जैसे हमने प्याज को फ्राई किया था वैसे ही हम टमाटर फ्राई करेंगे। टमाटर थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें जो लहसुन है और अदरक है उसको भी डाल देंगे, और इनको भी थोड़ा सा इसी के साथ टमाटर के साथ जो है फ्राई कर लेंगे। अपना अपना तरीका होता है, मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टेस्टी बनता है, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि इसी तरीके से आप टमाटर में भून लेते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से, और हम करेंगे यहाँ पे दही की तैयारी। दही में थोड़ा सा जो मसाले ऐड करने हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा ही इसका पाउडर डालेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं होता है तो आप इसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और उसके बाद डालेंगे जो पिसा हुआ धनिया होता है वो, उसका पाउडर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी डालना है सिर्फ कलर के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और आप इसमें चाट मसाला जो है वो भी ऐड कर दें। मैं थोड़ा सा भूल गई थी, मैंने बाद में इसमें डाल दिया था लेकिन आपसे शेयर करना भूल गई थी। तो बस इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें लास्ट में मेरा ये काम आएगा, तो हम इसको इसी तरीके से मिला के सारे मसालों को और साइड में रख देंगे। उसके बाद हमारी जो प्याज है और टमाटर वो ठंडा हो चुका है, तो सबसे पहले हम इनका पेस्ट बना लेंगे। तो सारे टमाटर हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका जो है पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर का पेस्ट तैयार हो चुका है, इसके बाद हम जो प्याज है उसका पेस्ट बना लेंगे।
यहाँ पे प्याज का पेस्ट भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे। अब गैस का फ्लेम चालू कर देंगे, उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसके बाद थोड़ा सा एक चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे ऑयल। और उसके बाद जो हमने बड़े बड़े पीसेस में कट करके रखे थे शिमला मिर्ची और प्याज, उनको भी डाल देंगे। उनको हमको थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक दो मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्याज और शिमला मिर्ची अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, जैसे हमें करना था, हल्का कुक करना था, वो हल्के से कुक हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही परफेक्ट कलर आया, बहुत ही अच्छे से जो है हो चुके। इसी तरह आपको एक दो मिनट के लिए ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी ग्रेवी तैयार। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे आपको सरसों का तेल लेना है तो वो ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो वो है ऑयल है वो मैंने ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा मतलब जीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा, तो मैंने एक दो हरी मिर्च कट करके रखी थी वो भी हम डाल देंगे। इनको मैंने पीसा नहीं था, मैं इस तरीके से डालती हूँ, आप इसको अगर चाहे तो पीस भी सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जो प्याज का मैंने पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छे से चलाते हुए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको भूनना है, क्योंकि प्याज अच्छे से भूनना चाहिए। तो इसको इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसमें कोई अच्छी सी जो है खुशबू नहीं आ जाती तब तक हम इसी तरीके से इसको चलाते हुए भूनेंगे। प्याज भुन चुकी है अच्छे से, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर प्याज हमारे अच्छे से जो है भुन चुके हैं, उसके बाद हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पिसा हुआ धनिया का पाउडर। और बाद में इस तरीके से आप ऐड करते हो तो कलर काफ़ी अच्छा आता है ग्रेवी का। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया, तीखी वाली मिर्ची ये नहीं है, आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें कलर भी अच्छा आता है इस मिर्ची की मिर्ची से। उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे लौंग पाउडर। लौंग का पाउडर थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालनी ये सब चीज़ें। और बस इनको डालने के बाद हम इनको अच्छे से जो है भून लेंगे, सूखे मसालों के साथ भी इसको अच्छे से भून लेंगे, इससे ये टमाटर में अच्छे से जो है फ्राई हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे यहाँ पे, और फिर हम अच्छे से इस ग्रेवी को मसाले को अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे, जिससे इसमें जो है मसालों का फ्लेवर जो है वो मिक्स हो जाए और अच्छे से एक खुशबू आ जाए, जिससे क्या है ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मसाला अच्छे से भुनने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे जो अमचूर पाउडर होता है वो थोड़ा सा ही डालना है। तो सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, उसके बाद हम करेंगे पानी ऐड इसमें। और पानी आपको जितनी क्वांटिटी में मतलब आपको चाहिए वैसे आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे डालूँगी। थोड़े थोड़े करके आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालें, ऐड करें। और मुझे थोड़ी सी ही ग्रेवी चाहिए, मतलब मैं थिक ग्रेवी रखने वाली हूँ, थोड़ा सा गाढ़ेपन में ही रखने वाली हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से पानी ऐड किया है। तो बहुत ही अच्छा कलर आया था, आपको दिख भी रहा होगा, पता नहीं क्यों लेकिन कैमरे में ये इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, रियलिटी में इसका कलर बहुत ही अच्छा आया था। तो मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कलर कितना अच्छा आया था। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जो है
कलर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा कलर आया था खाने में, तो टेस्टी बनी थी, कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो बस यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने हरी मटर लिया था उसको हम डाल देंगे। मटर डालने के बाद भी इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद हम पनीर को डाल देंगे ग्रेवी में, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, उसके बाद अब पनीर डाल देंगे। पनीर के पीसेस मैंने थोड़े से बड़े बड़े कट किए थे क्योंकि पनीर के टिक्का में ज़्यादातर बड़े बड़े पीस ही रहते हैं पनीर के। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम पनीर में डाल देंगे नमक। पनीर परफेक्ट से अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें फाइनली डालेंगे जो हमने दही में मसाला बना के जो रेडी किया था उसको हम डाल देंगे। इसको बाद में इसलिए डालना है जिससे क्या है ना ये जो फटता नहीं है, इस वजह से हम इसको सबसे लास्ट में ही डालेंगे। और इसको डालने के बाद भी हम थोड़ा सा पकने देंगे इसको। तो हम थोड़ा सा आधा चम्मच यहाँ पे हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, या आप स्किप भी कर सकते हैं, आपको नहीं है पसंद तो आप ना भी डालें। बस फाइनली हमारी पनीर जो है वो रेडी हो चुकी है। बस इसमें थोड़ा सा जो शिमला मिर्ची और प्याज जो हमने एक्स्ट्रा से बड़े बड़े पीसेस में कट करके भून के रखे थे उनको डालना है बस। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पनीर टिक्का रेडी हो जाएगा हमारा। तो बस तो पनीर टिक्का ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा धनिया इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम पनीर टिक्का को सर्व कर देंगे और पनीर टिक्का का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया था, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कलर आया था इसका। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.